यकीन सयदा तयबा ताहरा रदी अल्लाह तहा उनके मामला में जिस तरह के हम पहले ज़िक्र करा है, सिवाए लफ्ज़ ख़ता के और कोई लफ्ज़ हमारे खाते में कोई ना डाले और ना हम किसी और को बोलने देंगे और ख़ता का जो मतलब है नक्स नहीं ऐब नहीं कमी नहीं बल्कि अजरों सवाब वो हम सुन्नत के उसूल में लिखा है यहाँ एक ये बात भी जेन में रखी जाए कि एक है इम्कान खता दूसरा है वकूए खता वकूए खता जो है बाज मामल में हर एक में नहीं बाज़ ताबीर के अंदर वकूए खता मगर बदलबा कि खता का वकूह तो हो मगर उस पर बका ना हो तो पीर मेरिशा सा वह फरमाते हैं ये तो नबूवत के भी मुनाफी नहीं यानी ऐसी खता तो मासूम में भी हो सकती है कि जो ताबीर में है और बाकी नहीं रही वो खता जो है उसमें बका नहीं तो फिर तो वो शान मासूम के भी मुनाफी नहीं गैर मासूम के लिहाज से उसे तोहिन कैसे कहा जा सकता इस सिलसिला में शम्स फी इस बात हयातलमसी सफ़ा नंबर सतावन पीर साहब लिखते हैं नबूत के बारे में सारे इबारत सामने रख के इसको देखें और ताबीर में अगरचे वकूह खता मुमकिन है वक़ु खता नबुवत की बात यहाँ हो रही है और ताबीर में अगरचे वकूह ख़ता मुमकिन है मगर बका खता नबी की इस्मत को बातिल करता है वकू बातिल नहीं करता बका खता मगर बका खता नबी की इस्मत को बातिल करता है कि हो नबी और खता पर बाकी रहे ये नहीं हो सकता नबी तो मासूम होता तो मासूम का मतलब क्या हुआ कि ताबीर के अंदर खता का वक़ू जिस पर बका ना रहे वक़ू हो और फ़ौर उसके बाद मसला ख़त्म है तो ये तो इसमत के भी मुनाफ़ी नहीं इसमत की भी तोहन नहीं तोहन नबूबत भी नहीं तो ये किस मुंह से वलायत के अंदर मासूमियत से नीचे जाकर वकु खता जिसमें बका नहीं उसको तो हीन बनाते हैं उसको गुस्ताखी करार दे रहे हैं वकुए खता यानी वो जो लफज थे पीर साहब के के सयदा रदी अल्लाह फदक का दावा करते हुए अब ये बात माजी में है। दावा किया अब इस इमकान का मतलब वकू होगा अब किसी नाजायज़ अमर की मरतकब नहीं हो सकती थी इसका आगे जो है वो जवाब दे रहे हैं और हमारी जो गुफ्तु है इस सिलसिला में वो बिल्कुल रिकार्ड पर मौजूद है कि जिसमें यानी कहकर हमने उस गुफ्तु की आगे वजाहत में ये फरमाया कि लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सर तस्लीम गम कर लिया तो क्या हुआ बका नहीं रही यानी जो कुछ है जो ऐब नहीं जो गुना नहीं जिसको ख़ता से ताबीर किया गया है वो खता भी वो खता है कि जिस पर बका नहीं तो वकूव ख़ता जिस पर बका ना हो वो तो नबूवत के मुनाफी भी नहीं है यानी नबूवत के लिहाज से उसे जिक्र किया है कि अगर बका नहीं तो ये नबी की शान के मुनाफी नहीं ऐसा हो सकता और ये कोई तोहीन नहीं है अगर किसी ने कहा तो फिर सैदा तयबा रदी अल्लाह तहा के लिहाज से वकूए खता साथ इस शरत के के बका उस पर फिर बका भी नहीं ना नक्स ना ऐब ना कमी ना जुर्म ना कसूर ना खताकारी बल्कि एक ऐसा अमल के जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर सवाब का ऐलान किया है वो अमल अब पीर फिर मेरा लिशा साहब हैं ये देखें आपके जुमले देखें और फिर जो आपके अल्फाज हैं शम्सुल शमसदाया के अंदर ही ये किताबें मैंने नहीं छापी ये गोलडा शरीफ की छपी हुई हैं और आज जो धंधे किए जा रहे हैं मलफूज़ा को बदलने के हम वार्निंग दे रहे हैं उन लोगों को हम जिंदा हैं हम पीर मेर अली शाहम्तुल्ला का एक लफ्ज़ भी तुम्हें हज़म नहीं करने देंगे हम वारिस हैं उनके जहां वो खड़े थे डंडा लेकर उसकी जगह उनके हुक्म पर एक उनके मुजाहिद खादिम गुलाम की सूरत में हम जवाब देने के लिए खड़े हैं और ये अब आए कोई सामने इसे तोहीन बताए अपने अपने चरणों में बैठकर जब हराम की आंधियां चली ये आराम कोश लोग इनकी नींदें नहीं निकली उन में हम निकले काफिला लेकर इनके मजाज के लिहाज से तोहिने नजर ही नहीं आ रही थी और आज जो तोहिन नहीं बल्कि वो तो आहले सुन्नत के उसूल में लिखा हुआ है तो अब इसका नुकसान ये होगा कि आज मेरे नाम की आड़ में जितनी गालियां दे रहे हैं ये वो रिहर्सल कर रहे हैं मकसद मेरा नाम नहीं इसी जगह कुछ वक्त के बाद पीर मेर अली शाह का नाम लेकर भी वो यही तोपें चलाएंगे फिर वो जालिम इमाम बुखारी का नाम लेकर यही तोपें चलाएंगे फिर वो जालिम सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तु का नाम लेकर यही तोहफे चलाएंगे और फिर आज के इन बेचारों को कहेंगे कि कल जो बर्दाश्त कर गए हो तो बात तो वही है ना जो अशरफ जलाली ने की तो जुर्म था तो बड़ा कोई लिख रहा तो वो जुर्म क्यों नहीं एक ही जैसे हैं ये वो मश कर रहे हैं जालिम और उनके हाथों में खेलने वाले उनको खबर नहीं कि शान जहरा रदी अल्लाह अनहा है क्या और उस पर पहरा देना क्या है